साफ करके इनको भी भिगो देती हूँ। मुर्गियाँ हमारे आसपास सारी आ गई हैं। कैसे हैं आप सब? तो आज एक बार फिर जो है हम छत के ऊपर जो है चिकन पुलाव बना रही हूँ मैं। नीचे गैस नहीं है, और गैस हो भी तो मुझे अब जो है चावल जो है ऊपर लकड़ियों पे बनाने अच्छे लगते हैं कि मज़ेदार बनते हैं, तो आपके साथ साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले ऑयल गर्म होगा तो मैं उसमें गरम मसाला डालूँगी। मुर्गा तो आज सही शोर कर रहा है। गरम मसाला मैं इसमें डाल दूँगी। ये थोड़ा सा हवा रुकने के लिए हमने इसको छुपाया है, लेकिन सही से भी ये तैयार नहीं हुआ है। किचन बनाने की सोच रहे हैं हम छत पर, लेकिन अभी सही से जो है तैयार नहीं हुआ ये किचन हमारा। सबसे ज़्यादा मुश्किल एक बार आग लगाना होता है, उसके बाद तो फिर काम हो जाता है, लेकिन अगर आग जल जाए तो फिर जल्दी से बन जाते हैं चावल। प्याज शामिल कर दिया मैंने गरम मसाले के बाद। जब तक ये ब्राउन होगा मैंने यहाँ लहसुन अदरक हरी मिर्चें जो है पीस ली थी। ये रही मसाला हरी मिर्च, थोड़ा सा प्याज ब्राउन होगा तो उसके बाद मैं ये शामिल कर दूंगी इसमें, और साथ ही टमाटर भी डाल दूंगी। मुर्गियों से छुपने के लिए हमने ये छोटा सा डब्बा बनाया है। किचन तो नहीं कह सकते इसको भी, क्योंकि तैयार नहीं है ये, लेकिन ये कि मुर्गियाँ यहाँ भी तंग करने के लिए अंदर आ जाती हैं। और आज साथ हमारे कैफ जो है हेल्प करता होता है, मुर्गियों को दूर वगैरह भगाता है, लेकिन आज उसका रोज़ा है तो वो तंग हो रहा है, वो बात ही नहीं सुन रहा, वो नीचे चला गया है। वैसे तो चिकन पुलाव है, मेरे बेटे को कैफ को जो है चिकन पुलाव अच्छा लगता है, वो कहता है कि मामा चिकन पुलाव बनाया करो, लेकिन आलू मैं शामिल करती हूँ क्योंकि मुझे आलू अच्छे लगते हैं चावलों में। बेटे को चिकन पसंद है, मुझे आलू पसंद है, इसलिए मिक्स ही पुलाव बन रहा है बस, आलू और मुर्गी का। लगाओ ना तो उसका धुआं जो है आँखों में सही लगता है, जब एक बार आग लग जाती है ना फिर उसके बाद सही होता है, लेकिन शुरू शुरू में तो वो आँखों को सही जला देता है वो धुआं। नए किचन में तो आज हमें बहुत तंगी हो रही है, आग हमें बहुत परेशान कर रही है, आग लग ही नहीं रही मुझसे। अब एक ये है कि ईद के बाद रमज़ान में थोड़ा टाइम नहीं, ईद के बाद इंशाल्लाह जो है प्रॉपर एक ऊपर मैं चूल्हा बनाऊंगी, जिसकी वजह से मुझे जो परेशानी होती है ना वो ना हो, बना हुआ इंशाल्लाह चूल्हा लेकर आऊँगी मैं, फिर अपनी ये जो किचन की तैयारी सही से करेंगे। फ़िलहाल रमज़ान में इसी तरह बस टाइम गुजार रहे हैं, ईद के बाद इंशाल्लाह देखेंगे। इसी तरह यहाँ हमारा प्याज जो है लाइट लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया, और जैसे ये थोड़ा सा और ब्राउन होगा मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। यहाँ मैं अभी चिकन शामिल कर रही हूँ प्याज में। और साथ में ये जो है मैं लहसुन अदरक और हरी मिर्चें जो है उसका पेस्ट भी शामिल कर दूँगी। हमारी जो है वहाँ पे ब्राउन हो रही है, तब तक मैं टमाटर काटती हूँ और एक साथ ही फिर सब कुछ डाल के मसाले को भून लूँगी। चिकन को भी साथ साथ देखती हूँ। आलू भी इसी में डाल देती हूँ, एक साथ ही सब हो जाएगा।
इसी में अब मैं नमक डाल रही हूँ। लाल मिर्च, मसाला हमारा काफ़ी हद तक रेडी हो गया। अब मैं साथ साथ जो है चावल साफ करके इनको भी भिगो देती हूँ। मुर्गियाँ हमारे आसपास सारी आ गई हैं, उन्हें चावल नज़र आए शायद। तब और इसमें जो है चंद मैंने आलू बुखारे रखे जो मैं शामिल कर रही हूँ इसमें। ये मेरा बेटा कैफ आ गया है। कैफ अंदर आओ बेटा, अस्सलाम वालेकुम करो। आज इसका रोज़ा है जी, पांचवा रोज़ा है इसका माशाल्लाह। तो थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ हुआ है। किस बात से मूड ऑफ है? अब पानी शामिल कर देती हूँ इसमें, ताकि ये चावल शामिल कर रही हूँ इसमें मैं। इसके उबाल आने का इंतजार करते हैं, उबाल आ जाए तो फिर देखते हैं क्या है। रोज़ा खुलने में जो है 5 मिनट रह गए हैं, 5 से 10 मिनट, और हम जो है अब तक छत पर ही बैठे हैं। आज इफ्तार भी ऊपर ही हो जाएगी हमें, लेकिन ये है कि गर्मा गर्म चिकन पुलाव खाने को मिलेगा। रोज़ा भी हमारा इफ्तार यहीं हो गया है। तो मैं तो छत पर ही थी, तो नीचे जो जिठानी है मेरी, उन्होंने ऊपर ही मेरे लिए फ्रूट पकौड़े और जूस भेजा है कि रोज़ा खोल लें। वो मुझे नीचे ही बुला रही थी, लेकिन मुझे ये डर था कि नीचे जाऊंगी तो कहीं आग ना बुझ जाए, तो इसलिए यहीं इफ्तार कर रही हूँ। मगरिब हो गई है और अंधेरा हो गया, तो इसलिए लाइट जला दी है। हम शाम में आए थे मेरे हाथ 5:30, लेकिन आज हम लेट हो गए थे ना, इसलिए थोड़ा सा जल्दी आती ना तो हो जाता। और आज जो है आग ने भी तंग की है। चावलों को अब दम लगा दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा जो है मैंने दही में जो है जर्दे का रंग मिलाया है, ये डालूंगी यहाँ ऊपर में, कलर अच्छा आ जाएगा। चावलों को चेक करते हैं हम अपने, मेरे हाथ से तो अच्छे से दम आ गया, ये देखिए। ओह, चावल हमारे तैयार हो गए हैं, तो अब नीचे चल के जो है खाएंगे, क्योंकि इफ्तार भी ऊपर ही हो गई थी।
तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। चावल हमारे रेडी हो गए।